हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल आसानी से बनने वाला मज़ेदार मद्रासी सांबर की रेसिपी। मैंने आपके साथ पहले भी सांबर की रेसिपी शेयर किया है, शायद आप वो रेसिपी देखे होंगे। बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में इडली और सांबर दोनों उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आज के वीडियो में मैं सिर्फ सांभर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें क्या खास बात है ये जानने के लिए आपको आज का वीडियो एंड तक देखना होगा। आज की रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ तुवर यानी अरहर की दाल, तकरीबन 75 ग्राम। सांभर बनाया जाता है सिर्फ अरहर की दाल से। तो चलिए अब हम इस अरहर की दाल को 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। देखिए दाल तो मैंने अच्छे से धो लिया है, तो अब इसे गलाना है। तो गलाने के लिए हमें इसमें डालना होगा पानी और इस पर लिड लगाकर इसे हाई फ्लेम पर एक विसिल लगाकर तकरीबन 2 मिनट तक लो फ्लेम पर रख के इसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, फिर स्टीम निकलने का वेट करेंगे। दाल को ओवर कुक भी नहीं करना है, अगर दाल ओवर कुक हो जाएगी तो इसके जायके में फर्क आ जाएगा, इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिए। हमने तो दाल को गलने के लिए गैस पे रख दिया है, तो अब हम क्या करेंगे इसके आगे की तैयारी कर लेंगे। अब हम गैस पे रखेंगे कुकर, इसमें डालेंगे 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल। देखिए तेल हल्के से गर्म हो गया है, तो मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। तो अब इसमें डालते हैं 1/2 पिंच हींग। मैं जो इसमें हींग यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। हींग डालने की वजह से इसमें टेस्ट और फ्लेवर दोनों बढ़ जाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून मस्टर्ड। मैं आज की रेसिपी में काली और पीली दोनों मस्टर्ड डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई भी एक डाल सकते हैं। अभी भी मैंने गैस की फ्लेम लो ही रखा है, तो इसमें ऐड करेंगे सूखी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ के डालने की वजह से मिर्ची का फ्लेवर सांबर में बहुत ही बढ़िया आएगा। चलिए एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जले नहीं। तो अब इसमें डालते हैं करी लीव्स। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे, थोड़ी देर इसे फ्राई कर लेंगे। मद्रासी ऑथेंटिक सांबर में देखिए इस तरीके की छोटी प्याज को यूज करते हुए बनाते हैं। आज की रेसिपी मैं इस तरीके के छोटे ऑनियन और टमाटर के साथ ही बना रही हूँ, इसमें दूसरे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आपके साथ मैंने जो सांबर की रेसिपी शेयर किया था उसमें मैंने कई सारे वेजिटेबल्स डाले थे, लेकिन आज की रेसिपी सिर्फ ये छोटे ऑनियन से ही बनाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, इसे थोड़ी देर पका लेंगे यानी फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे तकरीबन 40 सेकेंड्स तक फ्राई करने के बाद अब इसमें डालते हैं 1/4 टीस्पून गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेते हुए मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर और पका लेंगे। 30 से 40 सेकंड्स हो गए हैं इसे पकते हुए, गार्लिक और जिंजर की बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 कटे हुए हरी मिर्च। हरी मिर्च इसमें ऐड करने के बाद लो फ्लेम पर इसे पकते हुए तकरीबन 30 सेकंड्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखकर इस तरीके से मिक्स करते हुए थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, ताकि इसमें हमने जो हल्दी डाला है उसकी कच्ची स्मेल निकलने तक इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। अगर गैस की फ्लेम हाई करेंगे तो हल्दी जल जाएगी, तो सांभर का कलर ख़राब हो जाएगा। हल्दी की स्मेल तो निकल गई है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर। टमाटर का मैंने स्किन निकाल के डाला है, आप चाहे तो स्किन के साथ डाल सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम थोड़ी देर मीडियम और हाई करते हुए टमाटर नरम होने तक पकाना है। अब इसमें ऐड करते हैं हस्बे ज़रूरत नमक। बिल्कुल सिंपल और आसानी से बनने वाले आप भी इस मद्रासी सांभर को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इस रेसिपी को बनाना भी बहुत आसान है। ज्यादा से ज्यादा इस सांबर को बनाने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। इस सांबर को आप कई सारे रेसिपीज के साथ खा सकते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, वड़ा, मैसूर भजिया और उपमे के साथ भी इस सांबर को आप खा सकते हैं। ये सारे रेसिपीज तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप उन रेसिपीज को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो उसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं।
कुछ को तो मैं आई बटन में डाल दूंगी, जो आई बटन में नहीं आ सकते हैं आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। कई टाइप के चटनी की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि वड़ा, इडली, डोसा, उपमा और मैसूर भज्जी के साथ खाए जाते हैं, वो भी आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। देखिए टमाटर तो ऑलमोस्ट पक गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे पानी प्याज को गलाने के लिए। हाफ कप इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे लिड लगाएंगे, एक विसिल लगाएंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम बंद करके विसिल निकाल देंगे। ऑनियन को भी हमें ओवर कुक नहीं करना है, ये बिल्कुल आसानी से और बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसकी हम विसिल निकाल लेंगे। ऑनियन पकने तक चलिए अब हम दाल भी चेक कर लेंगे। देखिए दाल अच्छे से गल गई है, लेकिन ये ओवर कुक नहीं हुई है। देखने पर ये दाल बिल्कुल साबुत नजर आनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल गली हुई रहेगी। इस तरीके से इसे मैश कर लेंगे, यानी घेट लेंगे। बिल्कुल पूरी तरीके से स्मूथ भी नहीं करना है, थोड़ी सी दाल भी नज़र आएगी, तभी सांभर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। देखिए ये बिल्कुल बढ़िया है, इससे ज़्यादा इसे और नहीं घेटेंगे, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ी दाल इसमें नज़र आनी चाहिए। देखिए दाल घेटने तक कुकर में एक विसिल आ गई है, तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दिया है, तो अब हम कुकर से स्टीम निकाल लेंगे। देखिए मैंने कुकर से तो स्टीम निकाल लिया है, तो अब हम इसकी लिड निकालेंगे और ऑनियन चेक कर लेंगे। देखिए ऑनियन तो अच्छे से गल गई है, तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। अब इसमें डालेंगे दाल जो हमने घेट के रखा है। दाल सारी इसमें डालने के बाद कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर बची हुई दाल भी निकाल लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत इमली का पानी। जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था कि मैं एक बार इमली को भिगाकर उसका पानी निकाल कर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो 3 से 4 रेसिपीज में उसे यूज़ करती हूँ। तो उसी तरीके से आज भी मैंने पहले बनाकर जो रखा था पानी उसी को यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप बिल्कुल फ्रेश इमली को भिगाकर उसका पानी डाल सकते हैं। सांभर आप जितना खट्टा रखना चाहते हो उतना इमली का पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे सांभर मसाला। ये मद्रासी सांभर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। आप दाल की क्वांटिटी जितनी ले रहे हैं उसी हिसाब से मसाले को कम या फिर ज़्यादा कर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि सांभर मसाले में सभी मिक्स होता है, तो लाल मिर्च पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपके साथ होममेड सांभर मसाले की रेसिपी भी शेयर किया है। सांभर मसाला 2 तरीके से बनाया जाता है, एक में तो करी पत्ता बहुत ज़्यादा डाल के बनाते हैं, तो दूसरे में बिल्कुल कम से कम डालते हैं। तो जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर किया है तो वो करी पत्ता ज़्यादा डाल के बनाया है। सांभर मसाला भी बहुत ही आसानी से आप भी घर पे बना सकते हैं, वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं कटी हुई हरी धनिया। देखिए हाई फ्लेम पर सांभर तो बढ़िया से बॉइल हो रहा है, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा गुड़। ऑथेंटिक मद्रासी सांभर में टेस्ट को बैलेंस करने के लिए गुड़ डाला जाता है, अगर आप नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके के मज़ेदार से रेसिपीज अपलोड करूँगी आपको उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। इसमें सांभर मसाला ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके तकरीबन 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे। हाई फ्लेम पर इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप सांभर की कंसिस्टेंसी जैसा रखना चाहो उतना पानी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें पानी ऐड करने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस की फ्लेम लो करके इसे तकरीबन 2 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे।
इसे लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया है। ये ठंडी होने के बाद और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे, इसे डिश आउट करके गर्मा गर्म इडली के साथ सर्व करेंगे। आज मैं इडली के साथ इसे सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो डोसा, वड़ा, उपमा के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।